और अब खंडवा से बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा पर पथराव हुआ है, मची भगदड़। अफरा तफरी के बीच पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, भीड़ को संभालने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा है। जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा के दौरान यह पथराव हुआ। खंडवा के कहारवाड़ी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कलेक्टर और आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फौरी तौर पर तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। इधर इंदौर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। तीन मस्जिद में ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पांच युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए एक मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है। सभी आरोपी एक दूसरे के परिचित हैं। मल्लारगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। तीन मस्जिदों में ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के आरोप में एक युवती समेत छह लोग गिरफ्तार। और अपराध जो संगत धाराओं में पंजीबद्ध हुआ था, उसके बाद से लगातार पूरे इंदौर पुलिस की टीम इसमें प्रयासरत थी कि इसमें जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें सभी टीम्स की प्रयास से जो सफलता मिली है। बड़ी खबर ग्वालियर से, एमए की छात्रा ने जान दे दी। बॉयफ्रेंड की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी का शुरुआती तौर पर यह मामला नजर आता है। ऑनलाइन गेमिंग के दौरान पंजाब के रवि वाल्मीकि से इसकी दोस्ती हुई। ग्वालियर आकर रवि ने छात्रा के साथ तस्वीरें ली। सगाई होने पर छात्रा ने रवि से अपना नाता तोड़ लिया था, लेकिन बॉयफ्रेंड रवि ने छात्रा के फोटो वायरल कर दिए और तीन महीने पहले इस पूरे घटनाक्रम के चलते छात्रा की सगाई टूट गई। सगाई तोड़वाने के बाद भी रवि इसे परेशान कर रहा था। जनकगंज पुलिस से शिकायत भी की गई थी। जनकगंज थाने के गोल पहाड़िया इलाके की ये पूरी घटना। भोपाल से बड़ी खबर, सरकार से खफा है, नाराज है ट्रांसपोर्टर्स और एमपी में ट्रकों के पहिए थम सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की महापंचायत है, परिवहन मंत्री को भी इसमें बुलाया गया है। आश्वासन के बावजूद अमल न होने से ये सभी ट्रांसपोर्टर्स नाराज हैं। सीमा चौकियों को खत्म करने का आश्वासन मिला था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने एक महापंचायत बुलाई है और 16 अगस्त से होने वाले आंदोलन की रणनीति इसमें बनाई जाएगी। दमोह जिले में फिल्म पुष्पा की तर्ज पर सागौन की लकड़ियों की तस्करी का मामला सामने आया है। दरअसल दमोह जिले में जोरदार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसका फायदा वन माफिया उठा रहा है। यहां पर व्यारमा नदी में तैरती हुई लकड़ियां नजर आईं। वन विभाग को सूचना दी गई, पता चला लकड़ियों को तस्करी के लिए एक दूसरे से बांधकर नदी में बहा दिया गया। वन विभाग के अमले ने ये सागौन की जो कीमती लकड़ियां थी इन्हें बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया है। सागौनी रेंज के अंतर्गत जो ब्यारवा नदी बहती है सागौनी और दमोह रेंज की सीमा में, ब्यारवा नदी में बर्रट घाट में सागौन की लकड़ी बहते हुए वहाँ पर आई थी, जिसकी सूचना हमें तत्काल मिली तो हमने जो है तत्काल स्टाफ को वहाँ तैनात किया। तैनात करने के बाद जब लकड़ी बहते हुए आई तो हमने उसको तत्काल जब्त किया। ये कल दिनांक 6 तारीख के शाम की बात है। इसमें हमने अभी लकड़ी को जब्त कर लिया है, लगभग 1 घन मीटर के आसपास है और उक्त लकड़ी लावारिसी पड़ी थी, अब बहकर आई थी और अभी कोई अभियुक्त उसमें मिले नहीं है, अभियुक्तों की तलाश। मुरैना में शहर के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े एक मनचले ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी और इसके बाद महिला ने चप्पलों से मनचले की धुनाई कर दी। तस्वीरें देख लीजिए। तकरीबन 10 मिनट तक मारपीट और हंगामा चलता रहा। दरअसल महिला बाजार से खरीदारी करके जा रही थी, इस बीच उसके साथ साथ एक मनचला चलने लगा।
महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करने लगा। महिला ने पहले डांट लगाई, ये नहीं माना तो फिर चप्पल और पत्थर उठाकर इस महिला ने मनचली की धुनाई शुरू कर दी। हालांकि महिला ने इस मामले की शिकायत कोई थाने में नहीं की है और इस वजह से कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं की गई है। खरगोन जिले के मंडलेश्वर थाना इलाके के सरदार पटेल निजी स्कूल के छात्रावास में अवैध शराब के कारोबार का पर्दाफाश हुआ। शिक्षा के मंदिर में पढ़ाने वाला शिक्षक ही शराब की तस्करी कर रहा था। आबकारी सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की। सरदार पटेल स्कूल छात्रावास से 21 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। छात्रावास के कमरे में पलंग के शिक्षक जो है सागर पोपटराव, इसने पलंग के नीचे शराब छिपा कर रखी थी। आबकारी टीम ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। धार में लाडली बहना तिरंगा कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। दो रिकॉर्ड बनाए गए, पहला सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा का रिकॉर्ड और दूसरा बड़ी संख्या में महिलाओं के कांवड़ यात्रा में शामिल होने का रिकॉर्ड। इस कांवड़ यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम समेत पवित्र नर्मदा का जल लेकर महिलाएं तिरंगे के साथ निकली, शिवलिंग पर जल अर्पित किया। सबसे खास बात यह कि धार समेत आसपास के 76 स्थानों पर एक साथ कांवड़ यात्रा आयोजित की गई। और अब भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के लिहाज से अच्छी खबर। देश की गरीबी कम करने में मध्य प्रदेश का योगदान है 10%। 5 साल में मध्य प्रदेश ने यह मकाम हासिल किया है। 1,36,00,000 लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली। गरीबों की संख्या के कमी के मामले अलीराजपुर इसमें आगे रहा। बड़वानी, खंडवा, बालाघाट और टीकमगढ़ ये सबसे आगे रहे। नीति आयोग आज अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहा है। प्रदेश में गरीबी 47.25% से घटकर 43.70 हुई है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश में गरीबी कम, विस्तार से बताएं ये रिपोर्ट क्या कह रही है। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते 5 सालों में मध्य प्रदेश में गरीबी का जो आंकड़ा है वो 47.25% से घटकर 43.70% हो गया, यानी कि 10% की कमी मध्य प्रदेश में आई है। और इसको लेकर नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो आज पेश होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और किस तरीके से मध्य प्रदेश में गरीबी कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं इसको लेकर भी जिक्र किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट और टीकमगढ़ ये वो जिले हैं जो गरीबी कम करने में सबसे आगे रहे। और एक बात और खास है कि गरीबी केवल पैसे से नहीं बल्कि मापदंडों के मुताबिक